इसका सेकेंड अपडेट है, लेकिन मुझे इंडिकेटर्स उतने पसंद नहीं आए। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम मेरे पीछे देख रहे हैं ऑल न्यू हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0। तो आज मैं करने वाला हूँ इसका डिटेल रिव्यू कि स्प्लेंडर में आपको क्या क्या अपडेट्स मिल गए हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें बदली हैं, माइलेज कितना है, फीचर्स क्या क्या और दे दिए कंपनी ने, सब कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो पूरे एंड तक देखिएगा। और अगर आपको हीरो का कोई भी प्रोडक्ट देखना है या परचेज करना है तो आप एक बार सुपर हीरो बालागंज जरूर विजिट करें। शोरूम की डिटेल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने स्प्लेंडर के फ्रंट साइड से अगर आप डिज़ाइन देखेंगे हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 का, तो डिज़ाइन आपको जो है वो पहले जैसा ही मिलता है, लेकिन इसमें कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स दिए हैं जिसके बाद से स्प्लेंडर जो है वो काफ़ी एडवांस हो चुकी है। अगर इसका मैं कर्ब वेट बताऊँ तो 112 kg का इसका कर्ब वेट आ जाता है। बाकी फ्रंट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो स्टिकर मिल जाते हैं। एक्सटेक में पहले यहाँ पे DRLs आते थे जिसको कंपनी ने हटा दिया, मुझे भी वो पसंद नहीं थे एकदम। यहाँ पे आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस की बैजिंग मिल जाती है। उसके नीचे आप देखेंगे तो ये है इसका पहला अपडेट। यहाँ पे आपको जो है वो फुली LED इसमें हेडलाइट मिलती है जो कि देखने में काफ़ी अच्छी है। और साथ ही में आपको इसके DRLs मिल जाते हैं जो कि LED में दो तरफ हैं। अगर इसको बीच में दिया जाता तो और भी अच्छा रहता, लेकिन ये भी देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। पहले वाले से तो ये लाख गुना बेहतर मिलते हैं आपको। इंडिकेटर्स आप देखेंगे तो इंडिकेटर्स भी चेंज हो चुके हैं, ये इसका सेकेंड अपडेट है, लेकिन मुझे इंडिकेटर्स उतने पसंद नहीं आए हैं। पहले वाले जो थे वो ज़्यादा अच्छे लगते थे। बाकी आपको कैसा लगा इसका फ्रंट डिज़ाइन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। फ्रंट मिडगार्ड आपको यहाँ पे फुली ब्लैक मिलता है। साथ में यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। अगर ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको 130mm की यहाँ पे ब्रेकिंग मिलती है, जिसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। बाकी अगर टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको 80x100 सेक्शन का टायर फ्रंट मिल जाता है और 18 inches की इसमें आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं। अब आते हैं बाइक के साइड लुक पे। तो साइड से देखने में भी ओवरऑल स्प्लेंडर जो है वो पहले जैसी ही लगती है। थोड़े बहुत जो है वो चेंज हुए हैं साइड में, उतना कुछ मेजर चेंज नहीं है। फ्यूल टैंक पे आते हैं तो फ्यूल टैंक आपको पहले जैसा ही मिलता है, एकदम नॉर्मल सा फ्यूल टैंक है, एकदम सिंपल सा। लेकिन इसमें आपको हिंच टाइप का जो है वो फ्यूल कैप मिलता है, जिससे काफ़ी इजीली आप फ्यूल पंप पे जाके फ्यूल फिलअप करा सकते हैं। यहाँ पे आपको A20 की बैजिंग मिल जाती है। और साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हीरो की यहाँ पे 3D में स्टिकर मिलता है और थोड़े से ग्राफिक्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये बाइक जो है वो दो कलर में आती है। ये जो आप कलर देख रहे हैं ये है ब्लैक कलर और इसमें रेड कलर भी आता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको जो है वो क्रोम फिनिश में लेग गार्ड मिल जाते हैं। और ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे आप बाइक के पेपर्स वगैरह थोड़े बहुत रख सकते हैं। और इस पर आपको प्रोग्राम FI की बैजिंग देखने को मिल जाती है। बाइक के इंजन की बात करते हैं तो इसमें आपको 97.2 cc का एयर कूल इंजन मिलता है और ये मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 7.9 bhp की 8000 rpm पे। और मैक्स टॉर्क इसमें आपको मिल जाता है 8.5 Nm का 6000 rpm पे। माइलेज की बात करें तो इसमें अराउंड जो है वो 55 से 60 kmpl तक का माइलेज आपको इजीली मिल जाएगा। वाइब्रेशन इसमें जो है वो बहुत ही कम करती है कंपनी ने, आपको ज़्यादा वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ब्रेक पे यहाँ पे एक गार्ड भी देखने को मिलेगा, इससे आपका पैर जो है वो इंजन की तरफ नहीं जाएगा, आपका पैर नहीं जलेगा इसमें। यहाँ पे आपको एक किक भी प्रोवाइड कर दी जाती है। साथ ही में अगर आप इसके साइड पोर्शन पे देखेंगे तो यहाँ पे स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 की बैजिंग मिल जाती है। स्टिकर आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। और उसमें थर्ड अपडेट जो है वो काफ़ी बड़ा अपडेट है, मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे आपको जो है वो एग्जॉस्ट मिलता है और एग्जॉस्ट जो है वो पहले से पूरा चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जॉस्ट का डिज़ाइन भी चेंज है। और इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा है वो अभी मैं आपको सुनाऊँगा, आप बताइए मुझे एग्जॉस्ट नोट कैसा लगा। आपको जो है वो 5-step एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको I3S की बैजिंग मिल जाती है जो कि स्टिकर में आती है। अब दिखाते हैं टेल सेक्शन कैसा है बाइक का। तो टेल सेक्शन से भी थोड़े बहुत यहाँ पे चेंजेस करे गए हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे अगर इसका रियर मेडगार्ड देखेंगे तो इसको थोड़ा बहुत जो है उसका डिज़ाइन चेंज करा गया, पहले से काफ़ी मस्कुलर लगता है ये। और स्प्लेंडर की जो टेल लाइट है वो भी पहले से यहाँ पे चेंज हो चुकी है, ग्लो होने पे जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है। इसमें आप अगर देखेंगे तो आपको हीरो की बैजिंग भी अंदर मिलती है, जिसमें डिटेलिंग जो है वो हीरो ने इस पर काफ़ी अच्छी करी है। इंडिकेटर्स आपको हैलोजन बल्ब के मिलते हैं। और अगर बात करें रियर टायर साइज़ की तो रियर में आपको जो टायर साइज़ मिलता है वो है 80x100 सेक्शन का और 18 inches के इसमें आपको अलॉय व्हील मिलते हैं। 130mm की आपको ड्रम ब्रेक रियर में भी मिल जाती है देखने को। और ग्रैब हैंडल आप देखेंगे तो इसमें आपको
क्रोम फिनिश ग्रैब हैंडल मिलता है, काफ़ी बड़ा सा, इसको ग्रिप करने में काफ़ी अच्छा रहेगा। हीरो की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी इसमें आपको 4-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ भी आता है, जो कि सेफ्टी को देखते हुए काफ़ी अच्छा फीचर है। यहाँ पे आपको फुट पैक्स मिल जाते हैं, लेडीज़ फुट पैक्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी इधर भी आपको स्प्लेंडर प्लस वगैरह की बैजिंग 3D में देखने को मिल जाती है। अब आते हैं सीट पे, बाइक की सीट अगर आप देखेंगे तो सीट पहले ही जैसी है। अगर सीट हाइट की बात करें तो इसमें अराउंड जो है वो 785 mm की इसमें आपको सीट हाइट मिलती है। सीट जो है वो थोड़ी सी कंपनी ने यहाँ पे डुअल टोन करने की कोशिश करी गई है। स्टिचिंग आप देखेंगे तो आपको वाइट कलर से मिलती है और ओवरऑल कुशनिंग जो है वो सीट की आपको काफ़ी डिसेंट मिल जाती है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर आप इससे थोड़ी बहुत लॉन्ग राइड वगैरह करते हैं, जैसे मतलब 1-1.5 घंटा चलाना है या आपको ट्रैफिक में ज़्यादा लेके जाना है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। काफ़ी लंबी सीट है, 2 लोग आराम से इस पर बैठ सकते हैं। और बाकी अब दिखा देते हैं चाबी कैसी है बाइक की। तो की आप देखेंगे तो की आपको पहले जैसी ही मिलती है, काफ़ी नॉर्मल सी की है। आपको हीरो की बैजिंग भी इस पर देखने को मिल जाती है। अब दिखा देते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा है। तो इसमें आपको जो है वो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो कि पहले जैसा ही है, इसमें कोई भी अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज, ऑडोमीटर, एवरेज वगैरह, ये बाइक दिखा देगी कि एवरेज क्या मिल रहा है। बाकी ट्रिप ए ट्रिप बी मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन इसमें इतनी आती है। ब्लूटूथ से आप कनेक्ट करके इसमें जो है वो कॉल और SMS अलर्ट्स वगैरह भी देख सकते हैं। बाकी टेल लैंप्स में आते हैं तो यहाँ पे आपको साइड स्टैंड की लाइट, यहाँ पे टर्न सिग्नल की लाइट और आपको इंडिकेटर्स की लाइट मिल जाती है, हाई बीम की लाइट, इंजन मलफंक्शन की लाइट वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही में आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो बटन देख रहे हैं इससे आप स्टीयरिंग क्लस्टर सेट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो ऑन द गो जो है वो अपनी बाइक से आप फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। और जो चौथा अपडेट है वो है इसके स्विच की क्वालिटी जो है वो पहले से हीरो ने काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर दी है। राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको I3S का स्विच मिल जाता है, नीचे आपको स्टार्ट का स्विच मिलता है और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे हाई बीम लो बीम का स्विच और यहाँ पे आपको पास का स्विच मिलता है, जो कि पहले इसी में आया करता था लेकिन अब कंपनी ने अलग दे दिया है। और यहाँ पे आपको हैजार्ड का स्विच भी देखने को मिल जाता है। तो 110cc में मुझे नहीं लगता कि कोई और कंपनी हैजार्ड का स्विच ऑफर करती है, जो कि हीरो ने स्प्लेंडर में कर दिया है। उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसका टर्न सिग्नल स्विच मिलता है और नीचे आपको हॉर्न का स्विच मिलता है। स्विच की क्वालिटी जो है वो मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट 110cc में क्वालिटी हीरो दे रहा है आपको स्विचेस की। आपको यहाँ पे हीरो की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है और ग्राउंड क्लियरेंस दिखा देते हैं आपको। तो 165 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि इंडियन रोड के हिसाब से सफिशिएंट है। बाइक जो है वो नीचे से टकराने नहीं वाली है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। और उसका प्राइस बता देते हैं, तो प्राइस इसका आ जाता है 82,911 rupees, जो कि एक शोरूम प्राइस है लखनऊ उत्तर प्रदेश का। और अगर स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें तो इसमें आपको जो है वो 5 साल की वारंटी मिलती है और 70,000 kilometers की वारंटी इसमें आपको मिल जाती है। बाकी हीरो का सर्विस नेटवर्क जो है वो आपको पता ही है, काफ़ी अच्छा है। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 का ये डिटेल रिव्यू कैसा लगा। और अगर आपके इस बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या आप कन्फ्यूज आपको कौन सी बाइक स्कूटर परचेज करनी चाहिए, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।